हेलो गाइज, मैं हूँ अमित। गाइज, शोले मूवी तो आपने ज़रूर से देखी होगी और उसमें वो गाना है ना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तो उसके अंदर एक बाइक होती है और वैसे ही कुछ बाइक हमने यहाँ पर बनाने की कोशिश करी है। उस बाइक के साइड में एक सीट लगी होती है, हमने भी एक टायर लगा करके गाड़ी की सीट लगा दी है। तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने इस जयवीरू वाली बाइक को बनाया है और उसके बाद में इसको चलाकर भी दिखाएंगे। और दोस्तों, इसको चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, बीच में मत काटिएगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और अगर आपको इस मॉडिफिकेशन की मेहनत में मज़ा आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो भाई, ये हट गया पीछे का इसका हिस्सा और हमारी बाइक के लुक आप देखो अभी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो स्कूटी का टायर है, इसका यूज करेंगे हम हमारी बाइक के ऊपर सीट रखने के लिए, जो कि सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ पर जो है भाई, इसको हम जोड़ रहे हैं बाइक के साथ में और उसके लिए वेल्डिंग करनी पड़ेगी। तो भाई, यहाँ पर हमने हमारी सीट को फिक्स कर दिया है इस बाइक के अंदर। आगे से यहाँ पर हमने जो है बोल्ट्स लगाए हैं और पीछे की तरफ से जो है इसको जोड़ना भी बाकी है। रेड कलर का स्प्रे पेंट हम जो है इसके ऊपर कर रहे हैं। तो दोस्तों, फाइनली यहाँ पर है हमारी बाइक और आप देख सकते हैं बाइक का जो लुक है वो कितना जबरदस्त दिख रहा है। दोस्तों, अगर इस साइड से आपको दिखाएं तो एकदम शोले जैसी दिखती है, लेकिन काफी मॉडिफिकेशन भी है क्योंकि हमने जो सीट की बैकरेस्ट है उसको काफी अच्छा रखा है। गाड़ी की पूरी सीट ही लगा दी है। यहाँ पर हमने जो एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया और उसके बाद में एक स्कूटी का टायर लगा के इस सीट को इसके ऊपर फिक्स किया है। और दोस्तों, इसको काफी मजबूत भी बनाया ताकि चलते टाइम जो है इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए भाई, क्योंकि जिंदगी का सवाल है। और दूसरी तरफ से आपको अगर दिखाऊं यहाँ पर, तो भी आप देखिए यार, एक बात आपको बताऊं, जो भी इस बाइक को देखता है ना दोस्तों, वो देखता ही जाता है। और साथ में हमने जो है रेड कलर का पेंट भी किया है ताकि थोड़ा सा अलग लुक मिले। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो भाई प्लीज एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा यार। तो अब इसको चलाकर देखते हैं किस तरीके की ये दिखती है चलने में। दोस्तों, आप दिखाते हैं आपको सबसे मजेदार पार्ट, जो कि इसके पीछे वाली सीट पर बैठने का। तो यहाँ पर मैं बैठ जाऊंगा और बाइक को चलाते हैं। और दोस्तों, ये जो सीट है वास्तव में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है यार, गाड़ी की सीटें कंफर्टेबल तो होनी है। स्टार्ट करो इसको।
तो भाई देखा आपने कितना मजा आता है इस बाइक को चलाने में, और उससे भी कहीं ज्यादा पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं मूवीज वाली। लेकिन जो सबसे मजेदार पार्ट मुझे इस बाइक के बारे में लगा है वो इसकी सीट। ये जो सीट है एकदम ऐसे करके पीछे हो जाती है और यहाँ पर भाई एकदम हम आराम से सो भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो सीट है उसको हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जितना मजेदार ये बाइक चलने में दिखती है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक जो है वास्तव में चलाने में है। और मुझे लगता है कि अगर एक इनएक्सपीरियंस आदमी इसको चलाएगा तो पक्का ठोक देगा, क्योंकि इसका जो हैंडलिंग है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये सीट लगाने के बाद में। तो प्लीज़ ऐसी कोई भी चीज़ बनाने की या चलाने की ट्राई बिल्कुल मत करना। हमने आपको डेमो के लिए दिखाया है, इसको हटा देंगे बहुत जल्दी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको हमारे मॉडिफिकेशन मज़ा आया तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। बाय बाय।